दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहली खबर जो आ रही है कतर से, अल फरकिया बीच फॉर वुमेन किड्स ओनली ट्वाइस ए वीक। दोस्तों आपको तो अल फरकिया जो बीच है दोस्तों, मिनिस्टर म्यूनसिपैलिटी एनवायरमेंट द्वारा कहा गया है कि जो अल फरकिया जो बीच है वो सिर्फ बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए खोला जाएगा हफ्ते में दो दिन, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। तो दोस्तों हफ्ते में दो दिन ये खोला जाएगा और दोस्तों ये सिर्फ बच्चे और महिलाएँ सिर्फ इसमें आ पाएंगे, इसमें मर्द को इजाज़त नहीं होगी। अगली खबर साथियों जो आ रही, प्रमोशन स्पेशल ऑफर ग्लोर एट मेजर रिटेल आउटलेट। दोस्तों कतर रेसिडेंट के लिए दोस्तों वहाँ पे जो वहाँ पे दोस्तों जो प्रमोशन ग्लोर एट मेजर रिटेल जो है, जैसे कि शू, जैसे कि फर्नीचर, ग्लोसरी, फ्रेश आइटम, ये सब दोस्तों वहाँ पे ऑफर निकाला गया है और प्रमोशन के लिए इसे ऑफर निकाला गया है ताकि दोस्तों इसकी मतलब इसके बारे में लोग जान सके और ज़्यादा से ज़्यादा आगे करके ये सेलिंग किया जा सके। तो दोस्तों यदि आप लेना चाहते हैं तो जाके ले सकते हैं, काफ़ी कम दामों में ये सब चीज़ें आपको दी जा रही है। अगली खबर साथियों आ रही, 10 अरेस्टेड फॉर वायलेटिंग होम क्वारंटाइन प्लेज। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी दोस्तों अपडेट ये है कि आज 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है होम क्वारंटाइन का रूल को उल्लंघन करते हुए। दोस्तों हर दिन 2 से 3 या 4 लोग पकड़ाया था पर दोस्तों आज इन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इससे पहले का नाम दोस्तों अली अहमद इब्राहिम अहमद अल मंसूरी है, हनी हसन मोहम्मद गद, तीसरा है रडवान मोहम्मद अल सलह बहिया, चौथा अब्दुल्ला फैसल यूसुफ मोहम्मद बहजाद, मुबारक खलीफा मुबारक अल नहफ खुसैबी कुबैसी, अब्दुल्ला मोहम्मद हिकमत, जैद अल बतरी, मोहम्मद शरीफ अल इस्लाम, अली जमील मोहम्मद इमादीन, नवीस सिकंदर, महवेज आलम। तो दोस्तों इसमें कुछ लोग इसमें कतरी हैं और कुछ लोग इसमें बाहर के एक्सपर्ट भी शामिल है। अगली खबर साथियों आ रही, कतर डिलीवर मेडिकल एड टू पाकिस्तान। दोस्तों कतर के जो एम्बेसी इन पाकिस्तान है उन्होंने दोस्तों उनको मतलब खाने पीने की चीज़ दोस्तों और मतलब बहुत सारे ऐसे जरूरत की चीज़ों को भेजा गया पाकिस्तान ताकि वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ पे मदद की जा सके, ये कतर के द्वारा भेजा गया है। अब साथियों बात करते हैं उन्होंने कोविड-19 के बारे में ताज़ा अपडेट क्या है। तो टोटल वहाँ पे रिकवर अभी लग 129,349 लोग हो चुके हैं, 24 घंटे में 225 लोग रिकवर हुए हैं, 24 घंटे में 1 लोग की डेथ हुई, टोटल वहाँ पे 232 लोग मर चुके हैं। 24 घंटे में साथियों अभी तक वहाँ 9,971 लोगों का जाँच हुआ, टोटल वहाँ पे 9,71,199 लोगों का जाँच हो चुका है। टोटल दोस्तों वहाँ पे 24 घंटे में अभी तक वहाँ पे केस आया पॉजिटिव 193, टोटल एक्टिव केस वहाँ पे 2762 है। ICU में 1 लोग गया है, टोटल वहाँ पे 39 लोग ICU में है। 24 घंटे में दोस्तों 30 लोग एक्यूट हॉस्पिटल में, टोटल वहाँ पे 365 लोग एक्यूट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट थी कोविड-19 की। यदि आपको कोई भी स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम तो 1600 पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत ही मेडिकल सहायता दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।